मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई से एक दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आई है, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति चलती हुई बस के नीचे लेटकर जान देने की कोशिश करता है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रही है। वीडियो मुंबई के अंधेरी इलाके का बताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि बस यहाँ पर मोड़ ले रही है, तभी पास में ही खड़े एक बुजुर्ग शख्स अचानक इस बस के नीचे लेट जाते हैं। हालांकि इस बुजुर्ग को अस्पताल फौरन पहुंचाया गया है, जहां इनका इलाज जारी है। और इस मामले की जांच में डीएन नगर पुलिस ने बुजुर्ग की पहचान भी कर ली है। बुजुर्ग की पहचान अब्दुल गफ्फार इस्माइल सैयद 60 वर्षीय के रूप में की गई है, जो अंधेरी के ही रहने वाले हैं। हालांकि ये वीडियो एक सप्ताह पहले की बताई जा रही है, जो अब सामने आई है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग अब्दुल गफ्फार सैयद की तबीयत ठीक नहीं रहती है, मानसिक रूप से ये बीमार है। और 6 दिसंबर को वो अचानक अपने घर से बाहर निकल गए, बाज़ार की तरफ चले गए थे, और वहीं पर ये बस जो है मुड़ रही थी, तभी ये पास में ही खड़े थे और ये 60 साल के बुज़ुर्ग अचानक बस के नीचे लेट जाते हैं। आनन फानन में जो राहगीर थे, उन्होंने तत्काल इन बुज़ुर्ग को बाहर निकाला और इन्हें फौरन हॉस्पिटल भेजा गया, और परिवार के लोगों को भी इसकी जानकारी दी गई है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, और पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर शिकायत भी दर्ज की है।